और इस लोकतंत्र के महापर्व में मुंगेली जिले के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। स्थिति ये थी कि सुबह 8 बजे से लेकर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगना मतदान केंद्रों के बाहर शुरू हो गई, जो कि आखिरी वक्त तक कमोबेश रही। इस सब के बीच नए वोटरों में मतदान के प्रति भारी उत्साह भी देखने को मिला, तो वहीं पुराने मतदाता ये कहते नजर आए कि निकाय चुनाव में चेहरा देखकर नहीं बल्कि विकास की संभावना तलाश कर प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। और इस दौरान कुछ मतदाताओं ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की है। चिलचिलाती धूप में मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार मतदाताओं ने किया, और मतदाताओं से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता रोहित कश्यप ने। मुंगेली जिले के एक नगर पालिका व 3 नगर पंचायत क्षेत्र में 8 बजे से आज मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और मुंगेली नगर पालिका के BR100 में जहां पास 4 बूथ बनाए गए हैं, यहां पास देख सकते हैं आप मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। और खासकर इसमें युवा वर्ग से लेकर तमाम जो इधर महिलाओं की भी लंबी कतारें हैं, और यहां पास आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग से लेकर खासकर युवा वर्ग और कई ऐसे वोटर जो पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उत्साह है उनमें। सबसे पहले ये बताइए, आप पहली बार वोट डालें? जी, पहली बार मतदान कर रहा हूँ पार्षदों। बहुत उत्साह है, लेकिन काम जो है काफी धीरे चल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 केंद्र होने चाहिए थे, जिससे हम लोग को थोड़ी आसानी होती काम करने में और जल्दी जल्दी वोटिंग हो जाती। काफी टाइम से देख सकते हैं आप लोग, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और थोड़ी परेशानी तो हो रही है, बट इतना सह सकते हैं अपन। ये बताइए, काफी लंबी लाइन है, इसको लेकर क्या कहीं कुछ प्रशासन की ओर से असुविधा है, क्या बोलना चाहेंगे? ये है कि व्यवस्था ठीक करना चाहिए यहाँ वोट डालने के लिए, बहुत धीमी गति से हो रहा है। आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है मतदाताओं के लिए, क्या लगता है कि लंबी जो कतारें हैं वो वाकई में भीड़ की वजह से है या फिर कुछ व्यवस्था और दुरुस्त कर लेनी चाहिए? व्यवस्था जितनी प्रशासन की तरफ से कर सकती है उतना व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब अंदर में काम हो सकता है कि जो बैठे हैं जो मतदान करा रहे कर्मचारी, उनकी तरफ से अगर कार्य स्लो या गति उनकी धीमी हो, इसलिए यहाँ पर लाइन बहुत लंबी है। कार्य अगर थोड़ी सी गति ले आते हैं तो समस्या समझ लग जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लाइन लगी कोई बड़ी बात नहीं है, लोग उत्साह से वोट डालने आए, खड़े लाइन में लगा के वोट डालने आई है। आप तो स्थानीय मुद्दे को लेकर आप लोग क्या विकास को देखकर वोट डालने आए हैं या फिर व्यक्तिगत चेहरा को देखकर वोट डालेंगे? विकास को देखते हुए सर, ताकि हमारे हमारे जो वार्ड में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो भी जीते आगे आए और हमारी समस्याओं को समझे। जो निदान आवश्यक है, मूलभूत आवश्यकता है, वो हम चाहते हैं कि वो पूरी हो। यहाँ पास युवा वर्ग भी है, हो सकता है कि इनमें से कुछ पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने आए होंगे। प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको लेकर कई लोगों में नाराजगी है, तो कहीं कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन को जो व्यवस्था करनी थी वो पर्याप्त है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली।